Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, let's move on to the objectives of accounting. Accounting objectives मतलब क्या होता है? Accounting क्यों जरूरी है? Okay, it's like objectives मतलब you are setting some goals. Okay, goals of this thing. Accounting का goal क्या है? Accounting का at the end accounting करना क्या चाह रहा है? Then where you are leading, it is showing that. Okay, so first thing is systematic recording of the transaction. Systematic recording of the transaction, ascertainment of the result, ascertainment of the financial position, and providing information to the users of the financial statement. हम basically बार बार यही बोल रहे हैं, okay? जो हम accounting definition में लिख दिए हैं वही हमारे objectives हैं indirectly if you see. अगर हम देखें, आप देखिए systematic recording of the transaction मतलब कि क्या है? Basic bookkeeping. ओके, बेसिक बुक कीपिंग में क्या आ जाते हैं? जर्नल एंट्रीज लिखना, लेजर अकाउंट्स बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना. दिस इज़ व्हाट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्रीज पर डेबिट क्रेडिट कर दे रहे, नहीं. बिकॉज देर इज़ अ सिस्टमैटिक मैनर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड कि जर्नल एंट्री का ये परफॉर्मा है एंड आई हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर परफॉर्मा. तो उस परफॉर्मा में डालकर हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो इट इज़ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. जब हम ट्रांजैक्शन ला रहे हैं उसका रिजल्ट भी निकालना जरूरी है, राइट? सो दैट इज़ नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट निकालना या प्रॉफिट, एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देखना हमारा कितना प्रॉफिट है. दैट इज़ असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, गेटिंग ऑफ रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. जब हमको रिजल्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले तो इट वॉज फाइन क्योंकि प्रॉफिट कितना है मालूम है. छोटे छोटे मोटे बिजनेसेस पीपल डू दिस ओनली, दे डोंट केयर अबाउट वॉट इज वॉट ऑल दे आर हैविंग इन बैलेंस शीट एंड ऑल, बट देन दे सी कि मेरा प्रॉफिट कितना आया पूरा साल में, राइट? बट देन यू नो एज यू ग्रो योर बिजनेस ग्रो द नीड इज ग्रोइंग, मेनी ऑफ द एवोल्यूशंस आर हैपनिंग आजकल. यू नो यू नीड टू हैव असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मालूम करना जरूरी है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस यू नो रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन. रिजल्ट मतलब एट द एंड आपको कितना पैसा आया वो साल में हम देख रहे हैं. फाइनेंशियल पोजीशन में क्या देख रहे हैं? आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन देख रहे हैं. बैलेंस शीट में आपके क्या रहते हैं? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहते हैं, राइट? So in that balance sheet what you are saying is solvency position. Long run में मेरी business चलेंगी कि नहीं चलेंगी, that is solvency position. मतलब मेरे इतने assets है you know जो liability को cover कर सकते हैं. These are my assets, okay, that will be like enough to cover off my liability. मेरे को ये देखना है. Okay, fine, assets मेरे ज़्यादा ही है, मेरी जो liability है ना उससे ज़्यादा ही है मेरे assets. तो it means that I am solvent. मेरी कंपनी अच्छी जा रही है और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त जाएंगी. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी पोजिशन इन द शॉर्ट टर्म थिंग. लिक्विडिटी इज नथिंग बट द शॉर्ट टर्म यू नो पोजिशन. शॉर्ट टर्म पोजिशन में क्या होता है? आई एम सीइंग वेदर आई एम हैविंग सो मच ऑफ एसेट, करंट एसेट, जो कि मेरी करंट लाइबिलिटी ये साल के ही अंदर पे करने की चीज़ें मेरे मीट हो रहे या नहीं हो रहे. वो सारी चीज़ें करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी या जो भी यू नो ऑल दीज लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सारे चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट में. तो वो बताएंगी मेरी फाइनेंशियल पोजिशन, वेदर लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस चलेगा, वेदर शॉर्ट. सी सपोज आपके लॉन्ग रन में इट्स फाइन कि आपके एसेट्स है कवर अप करने के लिए आपके लाइबिलिटीज़ को. ओके, बट देन वॉट हैपन यू नो इन दैट लॉन्ग रन है, लेकिन आपको है ना करेंटली आपके पास करंट एसेट्स नहीं है, आपके हाथ में पैसे ही नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है, और आपके पास लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके. सपोज आपके है ना क्रेडिट है सबको, जो ये साल में जिसको पैसे देने थे उन लोग ज़्यादा है. ओके, बैंक का लोन ये साल चुकाना था, शॉर्ट टर्म लोन, वो भी ज़्यादा है. ओके, वेल इन दैट केस वॉट इज़ हैपनिंग, आपका बिजनेस जब आपके हाथ में लिक्विडिटी नहीं रही, आपके हाथ में कैश ही नहीं रहा, बिजनेस क्या रन करेंगे? ओके, जब बिजनेस रन ही नहीं होगा तो आपको है सो अपने ना फिक्स्ड एसेट्स, ये जो बड़े बड़े एसेट्स बेच के आपको छोटे छोटे लाइबिलिटीज़ की नीड्स पूरे करने पड़ेंगे, एंड दैट्स वेरी अनहेल्दी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक कि सॉल्वेंसी पोजीशन देखने के लिए हमको देखना है कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हमारे बराबर है अपनी यू नो बिग लाइबिलिटी, जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स एंड यू नो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, ऑल दीज थिंग्स डेट्स लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसको कवर अप करने के लिए है. ओके, फाइन, इफ़ इट्स मोर देन वी आर सॉल्वेंट. ओके, लिक्विडिटी पोजिशन मतलब मेरे पास इतना कैश है या मेरे पास इतना यू नो मेरे पास इतना डेटर्स मेरे को दे
मेरे पास इतना कैश है ताकि मैं कवर अप कर सकूँ कि मुझे जिसको पैसे देना है एक साल के अंदर अंदर मैं कवर अप कर सकूँ, दैट इज़ नथिंग बट द लिक्विडिटी पोजिशन. ओके, दीज बोथ थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यू नो इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रनिंग. ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं जैसे पहले भी बोल चुकी थी ड्यूरिंग द डेफिनेशन दैट मेरी फाइनेंशियल पोजिशन आ गई, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ आ गया है, बस मैं वो लेकर कुछ और नहीं करूँगा, बस बैठ नहीं जाऊँगी. वॉट आई विल डू, आई विल मूव फर्दर और मैं डिसीशन मेकिंग करूँगी. ओके, आई एम प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन एज वेल एज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस. ओके, मैं देख रही हूँ, ओके आई डू आर डिसीशन मेकिंग, वॉट फ्यूचर प्लान में मैं कैसा एक्शन लूँगी. अगर मेरा प्रॉफिट आज ये है, ओके फाइन, आई एम सेटिस्फाइड, आगे जाके और बेहतर करूँगी. ओके फाइन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉफिट, आगे जाके मैं किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करूँ, वो मैं मुझे डिसीशन लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए. ओके, आई शुड नॉट बी रिपीटिंग माई मिस्टेक, सेम मिस्टेक जो मैं ये साल कर चुकी हूँ. ओके, टेक अ रैशनल डिसीशन. रैशनल डिसीशन मतलब कि यू नो ऐसा इनसेन डिसीशन नहीं ले लेना कि कुछ फ़ायदा ही ना हो कंपनी को. यू हैव टू टेक सम बैलेंसिंग डिसीशन. ओके, और वो सारे चीज़ें यू नो ऑल दीज थिंग्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरे जो है ना अपने प्लान ऑफ एक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी कम्युनिकेटिंग टू द एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो एंड यूजर्स कौन है, क्या है, अब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक. तब जब से यू नो वी वर रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हम, जब से हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, we have to communicate to the end users of the financial statement. अब हम देखते हैं एक कंपनी है मेरी, उसके ना कौन कौन एंड यूज़र्स होते हैं, मेरी कंपनी से किस किस को इंटरेस्ट है मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से किस किस को फ़ायदा है, किस किस को यू नो इंटरेस्ट है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं वो देखूँगी. वैसे एंड यूज़र्स आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज़ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. ओके, इंटरनल यूजर्स कौन कौन है, इन्वेस्टर्स या ओनर जो मेरी कंपनी में, सपोज मेरी कंपनी में उन लोग यू नो शेयर दिए, उन लोग ओनर्स है या उन लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ऑब्वियसली जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उन्हें देखेंगे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके फाइन, इसकी सॉल्वेंसी पोजिशन अच्छी है, इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ. ओके और मेरे ओनर्स हो, पार्टनर्स हो, वट एवर इट इज, दे आर ऑलरेडी देयर इन द बिजनेस, राइट, तो उन लोग इंटरनल यूजर्स हुए. ओके, तो दे विल बी इंटरेस्टेड मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एम्प्लॉयज़, मेरे एम्प्लॉयज़ देखना चाहेंगे कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है. सपोज़ आप एक जगह काम कर रहे हैं ना, आपको पता चला होगा कंपनी का कम्प्लीटली दिवाला निकल चुका, दैट कंपनी इज़ ऑलमोस्ट ऑन क्लोजर बट ऑन फेस अच्छी दिख रही है. ओके, तो आपको कैसा वो होगा कि यू विल क्विकली ऑप्ट फॉर नेक्स्ट जॉब, राइट. तो आप एज एन एम्प्लॉई आपके यू नो आप ऑलवेज चेक करेंगे कि आपकी कंपनी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है या नहीं है, वो मुझे पैसे दे पाएगी इन फ्यूचर एज अ सैलरी या नहीं, मेरा जॉब टिक पाएगी फॉर लॉन्ग टाइम या नहीं. तो उन लोग को इंटरेस्ट रहता, तो दे विल बी ऑब्जर्विंग, दे विल बी चेकिंग आउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो भी डिसीजंस लेंगे फ्यूचर में, जो भी चेंजेस करने वाले हैं, ये सारे चेंजेस कौन करने वाले हैं, जो कंपनी मैनेज करता हो, सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटर है वो खुद, पार्टनरशिप में जो पर्सन पे अथॉरिटी है मैनेज करने की वो, और यू नो इन कंपनी द डायरेक्टर्स. ओके, ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑल द मैनेजर्स एंड द डायरेक्टर्स उन लोग होते हैं मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट में जो लोग रहते हैं उनको ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके एनालिसिस करना रहता है, फ्यूचर बजट बनाना रहता है, डिसीशन मेकिंग रहते हैं. दे हैव सो मच टू डू इन इट, सो दे आर द कीन यूजर्स, यू नो कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ योर ओन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स को क्या फ़ायदा होगा, कौन से हैं एक्सटर्नल यूजर जिसको फ़ायदा होगा मेरी बैलेंस शीट से या मेरी बैलेंस शीट में नज़र रहेंगे उन लोगों को. लेंडर्स मतलब जो आपको पैसा दिए हुए हैं. सपोज समवन गेव यू सम मनी टू रन द बिजनेस, तो आपके ऑब्वियसली आपकी कंपनी की वेल बीइंग से उन लोगों को बड़ा फ़र्क पड़ेगा. ओके, अगर आपकी कंपनी अच्छी जा रही है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सॉल्वेंट है, ओके एंड आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, तो दिस लेंडर विल ऑब्वियसली बी हैप्पी.
ओके तो उसको इंटरेस्ट रहेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. सप्लायर्स मतलब जिस जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, ओके उन उनसे आप जब गुड्स ले हैं आप उनको पैसा देना बाकी है. ओके जिसको मैं पैसे देना बाकी हूँ वो हुआ क्रेडिटर. ओके उन लोग इंटरेस्टेड रहेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओके फाइन, मुझे कल के दिन मेरे पैसे निकलेंगे कि भी नहीं निकलेंगे उसकी वो थॉट रहती है, राइट. उस वजह से उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है. नेक्स्ट इज कस्टमर. ऑब्वियसली एज अ कस्टमर आप क्या करते हैं, यू नो ब्रांड देखते हैं. एज अ कस्टमर यू विल सी के फाइन ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में जा रही है, ओके फाइन कुछ तो अच्छा होगा इसमें, प्रोडक्ट अच्छा होगा इसलिए इसकी प्रॉफिट जा रही है, वो सोचते हैं. ओके ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज. गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट रहेगा आपके कंपनी से. ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी से रहेगा, बट द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड यू नो टू द एजेंसीज. एजेंसीज जैसे कि कौन सा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, दीज डिपार्टमेंट्स, यू नो कस्टम्स डिपार्टमेंट, दीज डिपार्टमेंट्स जो जो भी अगर आपके बिजनेस को लगते हैं, जो जो भी एक्ट्स लगते हैं, उन लोग रहते हैं इंटरेस्टेड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ऑब्वियसली आपकी वेलबींग अगर रही तो उन लोगों को टैक्सेस मिलेंगे टाइम पर, राइट. सो दे शुड हैव एन आई ऑन योर बिजनेस, आई ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड पब्लिक एट लार्ज, अगर सपोज इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू इशू सम यू नो IPOs वगैरह, जैसे कि अब Zomato इशू किया था, राइट. सो द होल थिंग इज़ लाइक हर कोई, एवरी वन, इवन Zomato के कस्टमर खुद, यू नो दे सॉ द पब्लिसिटी, दे सॉ द Zomato के सर्विस एंड एवरी थिंग. सो दे वर हैविंग एन आई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Zomato जब कन्वर्जन हुआ था, राइट. सो द पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो लुक अप टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके दोज आर द एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Well, that was it for today. Do like my channel, subscribe it, share with your friends, and till then, take care, bye-bye.